अजमेर के अनासागर झील में 2000 के नकली नोट 3 थैलियों में तैरते हुए बरामद किए गए। इन सभी नोटों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा था और ये हूबहू 2000 के नोट की तरह नजर आ रहे थे। अनासागर झील में पड़े इन नोटों की सीरीज भी एक जैसी थी। इन नकली नोटों की गिनती करें तो 54 गड्डियों में 1,08,00,000 की रकम होती है। फिलहाल इस संबंध में गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी नकली नोटों को जब्त करते हुए मामले की कार्रवाई की गई। मामले की जानकारी देते हुए थाने के SI बलदेव चौधरी ने बताया कि अनासागर झील पुष्कर रोड स्थित सेंचुरी पब्लिक स्कूल के पास 3 थैलियों में 2000 के नोट मिलने की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अनासागर झील में पड़े नोटों को जब्त किया गया। झील से निकाला गया तो ये सभी नकली नोट प्रतीत हो रहे हैं और उस पर भारतीय रिजर्व बैंक भी लिखा है, लेकिन पानी में होने के चलते ये सब गल गए हैं। इसके संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक व अन्य बैंकों से इसकी जानकारी लेने के बाद इस मामले में अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। इन्हें अनासागर झील में किसने फेंका इसे लेकर भी पुलिस जानकारी जुटाएगी, जिससे कि स्थिति स्पष्ट हो सके कि ये नोट अनासागर में कहां से आए। फिलहाल सभी नोटों को जब्त कर लिया गया है और इन्हें थाने ले जाया गया है। अभी भैया थोड़ा नीचे करो ना। हाँ जी। समय करीब 1 बजे सूचना मिली कि अनासागर चौपाटी सेंचुरी स्कूल के पास के अंदर अनासागर के अंदर नकली नोट 2000 रुपये के गिरे हुए हैं। आधी सूचना पे मौके पे पहुँचे, मौके से नोटों को अनासागर में पानी में से निकाल के देखा तो भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है और जिसके संबंध में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इनको बैंक से या रिजर्व बैंक के नियमानुसार बुला के और उनके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कितने के नोट हैं? यह 2000 के नोट है, करीब 20-30 गड्डियाँ हैं जिसके संबंध में थैली हैं, प्लास्टिक की थैली में डाले हुए थे जो पानी में बिल्कुल लुगदी टाइप हो गई हैं, बिल्कुल पूर्णतया गड़ चुके हैं, जिसके संबंध में थाने पे ले जाके और संबंधित बैंक को बुला के मार्गदर्शन लेके नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा या कोई शरारती तत्व द्वारा फेंक किए हैं, जिसके संबंध में भी जानकारी प्राप्त की जाएगी और नियमानुसार जो भी उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी वो की जाएगी।